हाँ रमी भाई बताएं क्या बात है, क्यों इनका मूड ऑफ है? बोले व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सैयद अग्रसेनी, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। लेकिन आज के ब्लॉग के अंदर कुछ नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या था कि आज दुआ थी माशाल्लाह, एंड अपन दुआ में गए और दिन भर वहाँ हो गया, अभी शाम में आए, आके सो गए, क्योंकि वीकनेस और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, हिम्मत नहीं थी कुछ ब्लॉग वगैरह करने की। अभी 8:30 बजे में उठा, नहा धोकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, एंड मैंने कहा अब ब्लॉग शुरू करते हैं, जितना हो सकता है उतना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास आप लोग को पता है हफ्ते में एक दिन मिलता है मंडे, उसके अंदर अपन 3-4 ब्लॉग बना के रखते हैं। लेकिन अभी कुछ भी ब्लॉग नहीं बना, तो अभी 8:30 बजे उठकर अब अपन थोड़ा निकल रहा है ब्लॉग की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस्तमा क्या होता है। मैं आप लोग को एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ कि इस्तमा बेसिकली ईमान को सीखने की और उसे बढ़ाने की मेहनत है। अभी आप यहाँ पर जो भी रिलीजियस से बिलोंग करते हो, आप अभी देख रहे हो, तो आपका एक बिलीफ किसी ना किसी गॉड पर है, ठीक है? तो क्या होता है बेसिकली, जैसे हम अल्लाह पर बिलीव करते हैं, तो वहाँ पर एक मेहनत होती है कि हम अपने ईमान को कैसे बढ़ाएं और हम गुनाहों से कैसे बचें और अच्छे काम कैसे करें। तो हर चीज़ जो है ना, वो दिल से रिलेटेड को वहाँ पे बयान होते हैं, ऐसी बातें सिखाई जाती हैं कि जिससे आप गुनाह छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो और आप अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वर्ल्ड वाइड इस्तमा होता है, एंड गाइस लिटरली कि क्या मेंटेनेंस रखते हैं वहाँ पर। मैं चाहता, मैं वहाँ कैमरा लेकर जा सकता था, आप लोग को दिखा था, मेरा दिल भी था, लेकिन मेरी एक सोच है कि मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर कोई भी रिलीजियस टॉपिक को कवर नहीं करना चाहता। एंड यार साल भर अपन का जो दिल चाहता अपन वो करते हैं, लेकिन ये टाइम साल में एक बार आता है, तो मैंने कहा सारी चीज़ें एक तरफ रखो, कैमरा घर पर रखेंगे, कैमरा नहीं लेकर जाएंगे वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के ऊपर मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। इंसान इतना ज़्यादा गुनाह करता है ना कि उसका दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है, और वो फिर वहीं से तो बेचैनी चालू होती है, एक्चुअली असली बेचैनी वहीं से चालू होती है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें घर पर रखो एंड बाद में ब्लॉग करेंगे, आज कोई ब्लॉग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज ऊपर वाले की, अल्लाह के लिए जाना। लेकिन ये ब्लॉग बनाते बनाते मैंने नोटिस करा कि मेरी स्किन कितनी ड्राई हो रही है, मतलब सर्दी आ गई हूँ, सर्दियों के अंदर स्किन को मेंटेन करना और बालों को मेंटेन करना, इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है और कि गुस्सा आता है, और स्किन, मेरी स्किन तो वैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल के रखी हैं, एंड जो सर्दियों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा काम आती है कुछ करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपना टी चैनल है, फेस वॉश, अपन ने पूरे साल यूज़ नहीं करा, लेकिन सर्दियाँ आ गई, इसे फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है, गारंटेड यूज़ करो, स्किन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं पर्सनली 6-7 बार इसे यूज़ कर चुका, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अपन हर महीने से नहीं मंगाते, 4-6 महीने में 1-2 बार मंगा लेते हैं, यूज़ करते हैं, एंड इसका स्क्रब पूरी किट आती है। लेकिन इसकी नाइट क्रीम और डे क्रीम, लिटरली के जितनी एक्सपेंसिव क्रीम मैंने बहुत यूज़ करेंगे, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिप बाम बियर्डो का, एक नंबर, इसके ऊपर मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे बियर्डो के प्रोडक्ट के ऊपर, जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। कितनी देर में आ रहा हूँ? नमस्कार, जल्दी आ जाओ यार। इतनी देर से बैठे बैठे एक ही चीज़ सोच रहा था कि कहाँ पर जाएं, कहाँ जाके ब्लॉग करें। तो यार रात भी सारा हो गई है, और अपन जो है ना लॉन्च वगैरह कहीं जाते नहीं हैं, एंड पार्टीज़ वगैरह में अपन का दिल नहीं लगता, पसंद भी नहीं जा रहा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मूवी देखने चलते हो, बहुत टाइम हो गया मूवी देखी नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट मारूफ एंड रमेश को कॉल करा, मैंने इन लोग से कहा कि मैंने तुम लोग की टिकट बुक कर दी है, अपन मूवी देखने चल रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो आने में इन लोग को फिर समझ। हाँ रमेश भाई बताएं क्या बात है, क्यों इनका मूड ऑफ है? बोले जिंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है आपके मूड को चेंज करना। आपको इंस्टेंट कोई चीज़ करना है और आपके दोस्त अगर आपको मूड ख़राब कर देना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि मूड को वापस सही करना। लेकिन हाल फिलहाल गुस्सा बहुत सारा आ रहा है, अभी पेट्रोल पंप पे देख लिया होगा कितना खतरनाक गुस्सा आया है, तो मैंने अब अपने चेंज कर लिया, चलो छोड़ो अभी अपन काम कर ले, ब्लॉग बना ले। तो ये बताओ मूवी कौन सी देखने चल रहा है अपन? ये तो मटर गस्ती की पागलपंती है ना, पागल। हाँ सॉरी, बताया तो भूल गया, इसमें रख दो डिग्री में दोनों तीनों चीज़ें। अब अच्छा लग रहा है, हंगर अच्छा होता है, लेकिन हर जगह अच्छा नहीं है। इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कंट्रोल रखूँ, लेकिन जब थोड़ी सी लिमिट क्रॉस हो जाती है थोड़ा बहुत हो जाता है, चलो छोड़ो अब इन बातों को, अब काफ़ी अच्छा फील है। हाँ ऑल इज वेल,
क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे दिखा रहा है किसके पास कितना बड़ा ब्रांड है। कितना टाइम बचा है? मेरे पास ओरिजिनल आएगी भी नहीं। अबे गरीब, 20 मिनट्स लेफ्ट ओनली। सेल में से खरीदा था तुमने? ये तो ओरिजिनल नाइकी ना, ओरिजिनल नाइकी। ये नाइकी वाली सेल में से कौन खरीदा? हमारी कसम इब्राहिमपुर में जो लगता है। अरे अब यार आया, अब यार आया। मेरी कसम तो झूठी मत खाओ, तुमने कहा था फैशन प्लेनेट पे लेकर आया हूं, भाई ने दिलाया। तो होता है आयो, मूवी स्टार्ट हो गई। शूट कर रहा नहीं कर रहा मेरे फेस करे बात क्या बोल रहा है वो? हां जैसे मेरे फेस से शूट कर रहा है। अच्छा लग रहा खूबसूरत लाइट। मुझे पता है यार आदत नहीं है ना पहनने की, अभी चलते चलते आ रहा है तो चक्कर चक्कर से फील हो रहा है। पता क्या मूवी देख ले, मूवी देखने के बाद फोटो वोटो पर ले रहा है। ये तू वीडियो शूट कर रहा है तो कुमारू कैसी लगी अभी तक? फाइनली मूवी खत्म हो गई है एंड मूवी लिटरली बहुत अच्छी थी। मारो भी क्या कहोगे मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी भाई, बहुत अच्छी। मतलब अरशद वारसी है तो गारंटेड तो कॉमेडी होना है, मतलब पैसा वसूल मूवी है। जाओ जाकर देखो एंड स्पॉइल नहीं कर रहा यहाँ पर मूवी को, लिटरली बहुत अच्छी है। एंड उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि जो नीरज मोदी ना, नाम भी याद नहीं आता, नीरज मोदी का जो स्कैम था उसे जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा उसके अंदर, वो लिटरली बहुत अच्छी बात है। और होना चाहिए कि मूवीज़ के अंदर जो कुछ इंडिया के अंदर अगर ऐसा स्कैम होना तो उसे दिखाएं, क्योंकि उससे अवेयरनेस बढ़ेगी एंड पता चलना चाहिए यार इन लोग को भी कि कांड कर गए तो गलत है। और इनके भी 25-30 रुपये थे शायद उसके अंदर से, इनके होंगे 10-15 रुपये। देश का पैसा पहले विजय माल्या लेकर गया, अब क्या नीरज मोदी लेकर गया। हाल फिलहाल बात यह है कि मूवी लिटरली बहुत अच्छी है, आप जाकर देखो। एंड ब्लॉग को आज इतनी रखते हैं और होपफुली कि यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को कर दो लाइक और दिल चाहे तो शेयर भी आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ये मारूफ और ये रमीज, बाय बाय।